हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम कॉमन एरर का प्रश्नों का देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, ही टोल्ड मी डैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीज़न। तो ही टोल्ड मी डैट, ये क्या में है? इन रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन में डैट लग गया। तो ही रोट को क्या लिख देंगे? ही रोट पास्ट नहीं होगा, ही हैड क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड रिटेन हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड यहाँ पर चेंज हुआ, तो ही हैड रिटेन हो जाएगा रोट को। जैसे वो लिखे हैं, ही सेड टू मी आई रोट ए लेटर। तो इसका क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी डैट आई फर्स्ट पर्सन के आंसर ही रोट वी टू है, तो हैड प्लस वी थ्री, हैड रिटन ए लेटर। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड रिटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज़, टीचर क्या बोले? बॉयज से बोले डैट फिर पास्ट में है। वन थॉट टू वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग अपोस्ट्रोफ़ वंस लिविंग। यहाँ क्या है? पोसेसन दिखा रहा, क्योंकि लिविंग एक जेरन है। लिविंग क्या है? एक जेरन है, जिसके पहले क्या होगा? पोसेसिव केस आएगा। क्या आएगा? लिविंग क्या हमारा? जेरन है, जिसके पहले हम क्या करेंगे? पोसेसिव केस लाएंगे, तो वंस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। वेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प बीच ही नीडेड हर, या मिस प्रिंटेड परसिस्ट इन रिफ्यूसिंग इट, सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फेट। इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो वेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प बीच ही नीडेड, जो जिसको ज़रूरत था, हर परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट, मतलब परसिस्ट इन रिफ्यूजिंग, वो मना कर दिया। सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फेट, मतलब उसके भाग के भरोसे छोड़ दिए। तो बेन आई सब्जेक्ट ऑफर भर हुआ, हिम ऑब्जेक्टिव केस हुआ, टू हेल्प नहीं होगा, हेल्प के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑफर क्या है? डायरेक्ट ट्रांजिटिव भर्व, यानी दो ऑब्जेक्ट लेने वाला भर्व। इसलिए हिम के बाद ऑब्जेक्ट हेल्प का प्रयोग होगा, न कि यहाँ पर टू प्लस बी वन मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑफर क्या है? डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। इसलिए यहाँ पर आई ऑफर्ड हिम हेल्प, उसको क्या करें? इसलिए बोलते हैं ना, आई ऑफर्ड हिम ए जॉब, ना कि इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आई ऑफर्ड हिम टू ए जॉब, नहीं, हेल्प के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अगला, ही रिमाइंडेड मी डैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। तो ही रिमाइंडेड क्या है? पास्ट टेंस में मी डैट, इनडायरेक्ट में भी है, तो यहाँ पर हैस प्रयोग नहीं होगा, पास्ट में चल रहा है, तो हैड का प्रयोग करेंगे। आगे हैं पचवा में, आई वुड हैव आस्क्ड इफ वाले पार्ट में क्या होता है? इफ वाले पार्ट में हैड प्लस बी थ्री, तो फर्स्ट ये वाले पार्ट में वुड प्लस बी थ्री, हाँ तो ठीक है। आई हैड नोन डैट यू आर, तो आर कैसे हो जाएगा साथियों? बेयर होगा, क्योंकि आई हैड नोन क्या है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या? पास्ट परफेक्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, यू के लिए वेयर आएगा, वेयर सेइंग हियर टू नाइट। लग रहा है ही एजुकेटेड नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली
और बट ऑल्सो का पेयर है। तो साथियों नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट हुआ एजुकेटेड, वर्ब के बाद नॉट ओनली आया। यहाँ पर देखिए हिज नेफ्यू सब्जेक्ट हुआ, उसके तुरंत बाद क्या आ गया बट ऑल्सो आया। तो यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, नॉट ओनली चाहिए आ जाना चाहिए, इसलिए ही नॉट ओनली एजुकेटेड होगा, क्योंकि इसके बाद बट ऑल्सो के पहले पहले इससे देखते हैं नॉट ओनली का प्रयोग कहाँ करेंगे एजुकेटेड के पहले, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो सेट है इसके पहले यहाँ आया है, तो यहाँ पर भी वर्ब के पहले लाएंगे तो यहाँ नॉट ओनली पहले आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। बहुत सारे पेयर वर्ड है, जैसे नॉट ओनली का पेयर वर्ड क्या होता है बट ऑल्सो, नाइदर का पेयर वर्ड क्या होता है नॉर, आइदर का पेयर वर्ड क्या होता है और, ये कुछ पेयर वर्ड है जिसको क्या करना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, बी वेर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट सी डू वेन बी हियर द चिल्ड्रन शॉटिंग। तो इसमें देखना आपको क्या यार है, बी वेर स्टिल वेर कंटिन्यूस में पास्ट में टॉकिंग अबाउट व्हाट बी वुड डू, मॉडल के साथ भी बना ठीक है, बीन हियर पास्ट में द चिल्ड्रन शॉटिंग, स्टिल मतलब कि जारी है, तो यहाँ पर इसमें किसी तरह का एरर नहीं है, क्योंकि हियर के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्या था बेयर इन्फिनिटी, अर्थात क्या करते हैं सीधा भीवन का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, किसके बाद हियर के बाद, हियर के बाद क्या करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटी अर्थात भीवन का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनिटी आपको पता है कि भीवन का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनिटी मतलब भीवन, और इन्फिनिटिव क्या होता है 2+V1, और हियर के बाद ऑब्जेक्ट के साथ भी ING का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लिखें आई हियर्ड समवन लाफिंग, आई हियर्ड समवन लाफिंग LAUGHING, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर क्या था साथियों, यहाँ पर किसी तरह का गलत नहीं था। अगला, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर ए प्रेयर, ऑन द ग्राउंड फॉर ए प्रेयर। तो एज सुन एज द प्यून बेल रिंग द बेल, द प्यून क्या क्या रिंग क्या द फर्स्ट बेल देन, जैसे ही उसके बाद ना जैसे देखिए जैसे ही घंटी बजाया तो स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट, देन क्या होगा मतलब कोई हम काम किए उसके बाद देन बोलते हैं, तो कोई क्या होता है दूसरे काम में क्या होता है इंटरवल हो जाता है करने में, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का इंटरवल नहीं है इसलिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक है। ये भी बात आ रहे कुछ वर्ड बताते हैं, एस बिकॉज सिंस एस सुन एस के बाद देयरफॉर सो और देन आदि का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बोल रहे हैं एज सुन एज द बेल रिंग द स्टूडेंट एंटर द क्लास, उसके साथ देयर देन बिकॉज सो देयरफॉर आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, किसके किसके बाद एज सुन एज सो बिकॉज सिंस ये सारे के बाद। अगला है धुंधीराज हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ पर गलत क्या होगा, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड एट का प्रयोग करेंगे, स्टिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में होता, जबकि एट कहाँ करते हैं निगेटिव सेंस में, जैसे बोले ही इज स्टिल ऑन द बेड, ही इज स्टिल ऑन द बेड, और वही लिखते हैं ही हैज नॉट कमिट, ही हैज नॉट कमिट मतलब निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए धुंधराज हैज बीन राइटिंग लिख रहा है डेट एस फॉर 2 आवर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश एट, अभी तक वह क्या किया फिनिश नहीं किया।
बट ही स्टिल नहीं उपयोग करेंगे, बट ही हैज नॉट फिनिश एच. स्टिल कहाँ करते हैं याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में, लेकिन एट कहाँ करते हैं निगेटिव सेंस में, इसलिए स्टिल का प्रयोग हटा देंगे और हो जाएगा क्या, ही हैज नॉट फिनिश एट. दसवां में इफ द टूरिस्ट, ये वाला पहले देखते हैं, वुड हैव प्लस बी थ्री आया, वुड हैव प्लस बी थ्री, वुड हैव कम केम कम, वुड हैव प्लस बी थ्री, तो आई वुड, पता है कि इफ वाले क्लॉज में क्या होता है हैड प्लस बी थ्री आता है, और आगे क्लॉज, आगे वाला क्लॉज में वुड हैव प्लस बी थ्री, तो वुड हैव, वुड इफ वाले, देखिए ये वाला तो वुड हैव प्लस बी थ्री भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इफ द टूरिस्ट कंडीशन बता रहा है, वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टनली हैव टेकन देम राउंड, तो आई वुड हैव बी थ्री, वुड हैव बी थ्री आया, तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा हैड का प्रयोग करेंगे, इफ द टूरिस्ट हैड क्या होगा कम, इफ द टूरिस्ट हैड कम, क्योंकि वुड हैव के बदले क्या करेंगे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिज़ायर जो पास्ट में है उसके लिए स्ट्रक्चर होता है क्या होता है इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है टूरिस्ट हुआ, उसके बाद हैड प्लस भी थ्री, अगले वाले पार्ट में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वुड कूड माइट शुड प्लस है प्लस भी थ्री, अब बोलेगा सटनली क्या, ये तो आ गया एडवर्ब आ गया. अगला एवरी वन एग्रीज डैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखना कि गलत कहाँ है, द एवरी वन एग्रीज बी फाइव ठीक है एवरी वन के लिए, डैट द गंगा इज द होलीएस्ट, इस सुपरलेटिव इसके लिए द आया, गंगा के लिए इस आया ठीक है, ऑफ ऑल ऑल अदर्स रिवर, ऑल अदर कहने का मतलब गंगा को छोड़ कर ना, गंगा भी उसमें समाहित है, तो अदर के बदले क्या करेंगे लोग द का प्रयोग करेंगे, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब पूरे रिवर में से गंगा, यदि अदर बोलेंगे तो गंगा छूट रहा है इसलिए पूरे में से, जैसे बोलते ही इज द वेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट, ही इज़ द वेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट, आगे बोलते हैं ही इज़ बेटर देन ऑल अदर कैंडिडेट, क्या हुआ है बेटर है किससे ऑल अदर कैंडिडेट से, तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा द रिवर ऑफ इंडिया मतलब उसमें ये खुद गंगा भी उसमें से मतलब कि होलीस्ट रिवर है मतलब कि पवित्र रिवर है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं ऑल अदर यानी इधर का प्रयोग नहीं होता ये भी याद रखिएगा, बल्कि कंपरेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर, ऑल अदर ये कुछ बड़ है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव था ना ऑल अदर और एनी अदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा कंपरेटिव में होता है, जैसे अभी बताया ना ही इज़ बेटर देन ऑल अदर कैंडिडेट, ही इज़ वेटर देन ऑल अदर कैंडिडेट, ये भी सही है, ये क्या हुआ कंपरेटिव बता रहा है, और ही इज़ वेटर देन एनी अदर कैंडिडेट, ये भी लिख सकते हैं. अगला 12 नो मैन इन आवर कंट्री इज एस रिच एस 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 पॉजिटिव रिच ठीक है ही इज़ द नो मैन, नो मैन इन इन आवर कंट्री सच रिच एज ही इज़, तो देखिए ये आदमी को तुलना कर रहा है बाकी लोगों से, तो नो अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्योंकि यदि कोई ग्रुप के एक व्यक्ति, कोई ग्रुप के एक व्यक्ति वस्तु को तुलना क्या करना उसी ग्रुप के व्यक्ति या वस्तु से पॉजिटिव वे में करते हैं, तो नो अदर, नो अदर के बाद सो या एस एस का प्रयोग करते हैं, नो अदर का प्रयोग करेंगे उसी ग्रुप में से तुलना करना, जैसे बोलते हैं नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज सो या एस गुड एस राम, मतलब राम की तुलना एक ही वर्ग के, मतलब यहाँ पर मैन है, मैन है इसका तुलना क्या कर रहा है कंट्री के लोगों से ही कर रहा, तो नो अदर मतलब उसके जैसा बाकी की तुलना करें, ये एक पॉइंट बताते हैं कि नो के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता, नो के बाद क्या करते हैं अदर का प्रयोग नहीं होता, यदि एक समूह के एक व्यक्ति, एक समूह का क्या था एक व्यक्ति रहता,
और बस व्यक्ति वस्तुवादी दूसरे की तुलना किसी दूसरे समूह के सारे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तब यहाँ पर अदर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ एक ही ग्रुप है उसी से तुलना भी कर रहे हैं, इसीलिए हम अदर का प्रयोग किए हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं, नो सिटी इन पाकिस्तान, नो सिटी इन पाकिस्तान इज एस ब्यूटीफुल एस दिल्ली, यानी नो सिटी पाकिस्तान एक दूसरा सिटी है और दिल्ली दूसरा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के सभी सिटी की तुलना किससे करें, भारत के दिल्ली से की गई है। तो यहाँ पर किसी तरह का अदर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप अलग अलग है, ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, द टीचर रिमार्कड वेरी एंग्रेली यस्टरडे, वेरी एंग्रेली यस्टरडे डैट द बॉयज यस्टरडे, पास्ट का वाक है तो हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। अल हैव यू टर्न, हैव के साथ बेहतरीन, डिटेक्टिव डैट यू हैव कीप योर आई ऑन मी, कीप योर आई ऑन मी मतलब कि किसी पर नज़र रखना, ये इडियम्स है, मी लाइक दिस, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अल सी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज डैट, सी आस्क पास्ट में हिम ऑब्जेक्टिव कैसे, व्हाट इट वाज डैट मेड हिम सो मच स्ट्रोंगर, तो सो मच स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन देन एनी अदर मैन देन एनी अदर मैन होगा, मतलब उसी ग्रुप का। सी आस्क हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर ब्रेवर देन एनी अदर मैन, मतलब उसी ग्रुप के मैन से तुलना कर रहे हैं, तो देन एनी अदर मैन है, जैसे हम अभी ऊपर देखे थे कि एक ही ग्रुप से तुलना कर रहे थे, तो वहाँ पर अदर लगाएंगे देन एनी अदर मैन, क्योंकि जब ये बात याद रखिएगा, जब अलग अलग दे जैसे पाकिस्तान की तुलना किसे किए थे, इंडिया से किए थे, तो यहाँ पर अदर का प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन जब तुलना जब एक ही से होगा तो अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें वे भी समाहित हो जाएगा ये ऐसा नहीं करने से। अगला है, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस, तो स्मगल्ड क्या है, पास्ट में है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉस स्टॉप्ड। आगे हैं, वन शुड लुक फॉर हिस, तो साथियों वंस जब भी स्टार्ट होगा तो उसका प्रोनाउन भी वंस ही होगा, मतलब वंस ही होगा, तो वंस होगा वंस ऑन फॉल्ट फर्स्ट एंड देन फॉर दोस ऑफ अदर्स। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, द ऑब्स्टिकल टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वेयर मोस्टली ऑन द मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड, तो ऑब्स्टिकल विच ऑब्स्टिकल के साथ टू ओवर सुपरफ्लुअस है, विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वेयर मेयरली, पढ़िएगा तो अपने पता चल जाएगा कि हाँ टू ओवर गलत है। अनलेस, अनलेस क्या निगेटिव है, तो इसके साथ निगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल, क्योंकि खुद में क्या है साथियों, निगेटिव है, जैसे अनलेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, तो अनलेस के साथ हम निगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। सिटिंग अंडर द शेड, तो सेटिंग अंडर द सैड, अंडर नीचे, अंडर द टेबल होता है, इन द सैड क्योंकि पेड़ के नीचे बैठना है, सीट अंडर ए ट्री, सीटिंग इन द सैड, इन द सैड सीट ट्री के अंदर होता है, सीट अंडर ए ट्री किंतु पेड़ की छाया में बैठते हैं, तो सीट इन द सैड। ऑल दो इट वॉज इट इज समर नाउ, समर द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज द वेदर एट द वॉस, देखिए यहाँ पर बोला ऑल दो इट इज़ समर नाउ, समर नाउ नाउ प्रेजेंट का वाक्य, तो पास्ट कैसे आएगा, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। सातवा में, फियर इज वन ऑफ दोस इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन, तो देखिए फियर इज वन ऑफ दोस इमोशन विच किसके लिए, इमोशन के रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट ये है, फ्रिक्वेंटली रूट्स इमोशन क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए भर्ब क्या आएगा, भीवन आएगा, फ्रिक्वेंटली इमोशन विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इन एक्शन। अगला, आई वॉन्ट हिम फॉर
वार्न के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, वार्न ऑफ, याद रखें वार्न ए पर्सन ऑफ डेंजर, तो वार्न ऑफ होता है, अगेंस्ट भी होता है लेकिन वार्न ऑफ यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं साथियों 9 नंबर में, आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन डैट नन ऑफ दिस टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट और टू द एट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो बुक है, दिस टू बुक, तो दो नन दो से अधिक के लिए करते हैं, आइदर दो के लिए, नन दो से अधिक के लिए, तो नाइदर, नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर होगा, दो दिस टू बुक का प्रयोग करते हैं, दो व्यक्ति वस्तु के लिए नाइदर और दो से अधिक के लिए नन, जैसे नाइदर ऑफ द टू पेंस, नन ऑफ थ्री पेंस, तो यहाँ पर नन होकर नाइदर हो जाएगा। अगला है, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माई क्लॉथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर, द अदर आस्क्ड मी, ये क्या है? नरेशन में, तो बेदर बेदर हैड आई नहीं, क्योंकि आगे क्या क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, तो यहाँ पर बेयर आई हैड केप्ट, बेयर आई हैड केप्ट होगा, इन्वर्जन यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन करने वाला पहले वर्ब नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगला, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर आर नॉट ओनली, नॉट ओनली अ स्टडी इन यूरोप कंट्री बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कॉलेज, साथियों नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन यूरोपियन कंट्री, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर प्लेस के लिए आर आया, ठीक है, नॉट ओनली आर अ स्टडी, देखिए नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन, बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन ऑन आया, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन ऑन ही ना आया, यानी स्टडी के बाद नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, यानी द प्लेस ऑफ शेक्सपियर नॉट आर स्टडी नॉट ओनली इन यूरोप, आर स्टडी नॉट ओनली इन यूरोप, ये बात याद रखें, क्योंकि बट ऑल्सो का इसका मतलब जो क्या बोलते हैं ऑर्डर भी देखना है, ऑर्डर को भी इसको आपको ध्यान रखना है कि बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन आए तो यहाँ भी बट नॉट ओनली को यहाँ लेकर आएंगे। अगला, टू आवर सरप्राइज बी टू आवर सरप्राइज, ठीक है, बी नोटिस डैट एवरी सोल्जियर एंड एवरी सेलर, एवरी सोल्जियर को जुड़ा एंड एवरी वॉज पास्ट में, ठीक है, इन हिज प्लेस, ठीक है, इसी तरह में किसी तरह का एरर नहीं है। अगला, नाइदर का नॉर होता है पेयर, ठीक है, ही और आई वॉज एबल टू फिनिश द टास्क विथ इन द लिमिट टाइम, तो इसमें किसी तरह का एरर दिख रहा है, नहीं, नाइदर का पेयर नॉर है, ये सही है, ही और आई वॉस, नाइदर ही नहीं हुए, वॉस पास्ट में, एबल टू फिनिश, टू प्लस बी वन, द टास्क विथ इन द लिमिट टाइम, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अगला देखते हैं, हेड के साथ भी थ्री, ठीक है, मी ईयरलियर आई वुड हैव सर्टनली, तो वुड हैव के साथ भी थ्री आता है, परचेस्ड हो जाएगा, कहा कि आगे कंडीशन वाला बताए थे, हेड प्लस बी थ्री, तो बूढ़े प्लस बी थ्री। अगला है, फ्यू क्लॉथ्स दे द फ्यू क्लॉथ्स, द फ्यू मतलब डिफिनिट सेंस में बता रहा है, तो यहाँ पर डिफिनिट सेंस है, तो फ्यू क्लॉथ दे हैड वेयर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस, तो फ्यू क्लॉथ दे थर्ड पर्सन हैड पास्ट में वेयर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस, तो यह इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। देखिए, इवन इफ ई हैड बीन ड्राइविंग, हैड प्लस बीन प्लस बी बिफोर मतलब पास्ट में, सो इट बिल, तो बिल नहीं होगा, वुड हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट, हैड पास्ट में, तो यहाँ बिल नहीं आएगा, वुड आएगा। अगला, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, वाइल स्टॉप के साथ बी फोर आता है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप टू प्लस बी वन प्रयोग, स्टॉप के साथ टू प्लस बी वन का प्रयोग होता है या स्टॉप के साथ बी फोर का प्रयोग होता है, जैसे ही स्टॉप्ड टू स्मोक या यह स्टॉप्ड स्मोकिंग, और यह स्टॉप टू स्मोक मतलब क्या होगा, वह सिगरेट पीने के लिए रुका, यह स्टॉप स्मोकिंग मतलब उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। अल मेनी ए लीडर, मेनी ए लीडर प्रोमिस, मेनी ए लीडर है प्रोमिसेस, ठीक है, बी फाइव,
paradise on earth, but such promises remain unfulfilled. Remains unfulfilled. तो मेनी ए आया लीडर आया नॉन आया प्रोमिसेस पैरासाइड ऑन अर्थ बट सच प्रोमिसेस रिमेन बट सच प्रोमिसेस के लिए रिमेन आया भी वन आया अनफुलफिल्ड. तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है. लाइस नाइदर गेव सेटिस्फैक्शन आस कुक नॉर एस ए नॉर के बाद क्या आ रहा है एस आ रहा है. तो यहाँ पर ऑर्डर देखना है तो ही गेव सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर क्या होगा नाइदर का प्रयोग क्या करेंगे सेटिस्फैक्शन के बाद करेंगे. तो ही गेव सेटिस्फैक्शन नाइदर एस ए कुक नाइदर एस नॉर एस ए चौफर. तो सेटिस्फैक्शन के बाद क्या करेंगे हम नाइदर का प्रयोग करेंगे. नॉर के बाद एस आया तो यहाँ पर भी नाइदर के बाद एस आएगा. इसका हम ऑर्डर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्डर. इन स्पाइट ऑफ के बावजूद ऑफ द फैक्ट डैट द मीटिंग वॉज अवॉर्ड टू एंड मीटिंग वॉज अवॉर्डेड टू एंड सी इंसिस्टेड टू आस्क नहीं ऑन आस्किंग. टू आस्क के बदले क्या करेंगे ऑन आस्किंग. इंसिस्ट ऑन होता है इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन प्लस ऑब्जेक्ट होता है. इंसिस्ट यहाँ पर क्या आ गया टू आस्क के बोला इंसिस्ट ऑन सेवरल क्वेश्चन. तो या इंस्टेड के साथ ऑन प्लस भीप को आईएनजी फॉर्म होता है. इंस्टेड के साथ ऑन और भीप के साथ आईएनजी बिफोर आईएनजी का प्रयोग करते भी हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं. आगे देखते हैं साथियों. शुभ हैड बीन एट स्कूल व्हाट सी डिड नॉट डिड के साथ क्या होता है लर्न. डिड के साथ भीवन का प्रयोग होगा यहाँ लर्न नहीं होगा लर्न होगा. आगे बी हैव केयरफुली और डस के साथ भी भीवन डिड के साथ भीवन ये याद रखिएगा. अगला बी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस. यहाँ पर क्या है बी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यू रेस्ट इन द रिपोर्ट. तो देखिए इश्यू बी हैव केयरफुली हैव के साथ बी थ्री केयरफुली एडवर्ब हुआ वर्ब को क्वालिफाई करा है. द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यू रेस्ट इन द रिपोर्ट. तो इम्पोर्टेंस ऑफ के पहले द इम्पोर्टेंस द इश्यू रेस्ट होगा तो ऑफ के बाद भी द इश्यू होगा क्योंकि डिफिनिट है जो इश्यू जो रिपोर्ट में जो मुद्दा में उठाया गया है तो वह यहाँ इम्पोर्टेंट है. यहाँ मतलब कि वह डिफिनिट है. अगला यू मस्ट नॉट नॉट के साथ भीवन मिस्ड नहीं होगा मिस होगा. वैसे भी मॉडल के साथ हम लोग भीवन का प्रयोग करते हैं. मॉडल कौन कौन है कैन कूड मे माइट सेल सूड बिल वुड मस्ट डेयर नॉट नीड नॉट ये सारे के साथ भीवन का प्रयोग करते हैं. अगला राजू कैनॉट वॉक मच तो मच देन मच के बदले क्या करेंगे मोर देन. मोर क्या है कंपरेटिव है कंपरेटिव इसलिए मच की जगह पर मोर का प्रयोग करेंगे. मोर देन टू माइल्स टू स्टेट. आगे ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर. तो ड्यू टू से क्या करते हैं वॉक की शुरुआत हम नहीं करते हैं. ओइंग टू मतलब कि अपने हेल्थ प्रॉब्लम के कारण ये मनी क्या रिटायर्ड हो गया तो ओइंग टू का प्रयोग होगा क्योंकि ड्यू टू से हम लोग वाक का शुरुआत नहीं करते हैं. ड्यू टू मतलब क्या होता है एट्रीब्यूटेड टू या अस्क्राइब्ड टू. और टू बी का फॉर्म क्या है इज एम आर वाज वेयर ये बता होगा आपको वाज वेयर. तो यहाँ पर ड्यू टू नहीं होगा ओइंग टू हो जाएगा कारण बता रहा तो क्यों अपने हेल्थ प्रॉब्लम के कारण. अगला ही सोल्ड एक बात याद रखें यहाँ पर ओइंग टू का जो अर्थ होता है बिकॉज ऑफ. ओइंग टू मतलब बिकॉज मतलब कारण बताना के सेंस में होता है बिकॉज ऑफ. आगे देखते हैं अगला प्रश्न ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन गुड प्राइस. ऑन नहीं होता फॉर ए गुड प्राइस मतलब अच्छे दाम में बेचा गया फॉर ए गुड प्राइस जैसे बोलते हैं ही सोल्ड दिस पेन फॉर रुपीज़ 10 तो फॉर ए गुड प्राइस होगा.
आगे देखते हैं, आई रिटेन्ड, आई रिटेन्ड दिस बॉय, आई रिटेन्ड दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो आई रिटेन्ड दिस बॉय फॉर द स्ट्रेंथ, किसके लिए? होनेस्टी के लिए, फॉर के लिए। अगला, आई ऑफन प्राय गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो। तो आई ऑफन गिव हिम मनी, आई ऑफन मतलब प्राय मतलब उसको क्या करें, मनी दिए। एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे, आई गेम्स ए लिटिल या सम, सम मतलब कि सम कुछ दिए यस्टरडे ऑल्सो। फ्यू के बदले क्या करेंगे, ए लिटिल, क्योंकि मनी क्या अनकाउंटेबल में यूज़ करेंगे तो ए लिटिल होगा या सम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फ्यू है जो क्या होगा, फ्यू का प्रयोग करना, क्योंकि फ्यू क्या है, संख्या है, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन में होता है, जबकि लिटिल क्या होता है, मात्रा दिखाता, मात्रा बताता, और इसको हम किस तरह यूज करते हैं, अनकाउंटेबल में। तो चूँकि मनी क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल, इसलिए हम ए लिटिल या सम का प्रयोग कर सकते हैं। लुकिंग इन टू द सिचुएशन, द प्रिवेल्ड डैड प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर अगो ही वॉज टेकन द डिसीजन। तो लुकिंग इन टू द सिचुएशन, डैड प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर अगो वॉज टेकन ए, एगो मतलब पास्ट में चल रहा है, तो ही टुक डैड डिसीजन मतलब वह मतलब कि वह जो डिसीजन जो लिया था, लुकिंग इन टू द सिचुएशन डैट प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर अगो ही टुक डैट डिसीजन, वह डिसीजन लिया, तो टुक होगा वर्ब का सिंपल पास्ट में, ना कि यहाँ पर पैसिव में, क्योंकि हम पैसिव में कब लिखते हैं, जब डूअर एक्शन कोई मतलब क्रिया कोई और करता को काम, तो यहाँ पर इस तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा, ऐसा घटना नहीं हो रहा, इसलिए हम पास्ट में ही रहने देंगे इसको। अगला, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी सर्व्स, ऑल द लीडिंग होटल, ऑल के बाद क्या होगा, नॉन प्लूरल, तो भर्ब यहाँ पर भर्ब प्लूरल हो गया, तो यहाँ सर्व होगा, क्योंकि ऑल द होटल्स प्लूरल है, ऑल द होटल्स क्या प्लूरल है, तो इसलिए वी वन का प्रयोग करेंगे। ऑल के बाद वी वन, ऑल द होटल्स प्लूरल, तो जब सिंगुलर आता है तो वी फाइव का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो।